आपसे कह रहा हूँ, आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। अच्छे और बुरे व्यापार के बीच का अंतर सब्जेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मतलब संदर्भाधीन हो सकता है। आम तौर पर एक अच्छा व्यापार वह है जो नैतिकता से कार्य करता है, अपने ग्राहकों को वैल्यू प्रदान करता है, एक सस्टेनेबल व्यापार मॉडल है और संबंधित कानून और विनियमों का पालन करता है। विपरीत रूप से एक बुरा व्यापार अनएथिकल प्रैक्टिसेस में शामिल हो सकता है, ग्राहकों को धोखा दे सकता है, एक अनसस्टेनेबल व्यापार मॉडल हो सकता है या कानून और विनियमों का उल्लंघन कर सकता है। एक स्कैम आमतौर पर फाइनेंशियल गेन के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं का फायदा उठाने के इरादे से धोखाधड़ीपूर्ण अभ्यासों को शामिल करती है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के। धोखाधड़ी कई रूपों में हो सकती है, जैसे कि फर्जी योजनाएं, पिरामिड योजनाएं या पोंजी योजनाएं। 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोएस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने ये खुल के दिया है। वे अक्सर अनरियलिस्टिक रिटर्न या फायदे की बात करते हैं, जबकि ट्रांजैक्शन की वास्तविक नीति को छिपाते हैं। तो आप या तो 50-60 हज़ार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर। दूसरी ओर वैध व्यवसाय स्पष्टता से काम करते हैं और उचित मुआवजे के बदले में वास्तविक उत्पादों या सेवाएं प्रदान करते हैं। वे कानूनी और नैतिक मानकों का पालन करते हैं, एक स्पष्ट व्यवसाय मॉडल होता है और अपने ऑपरेशन में पारदर्शिता बनाए रखते हैं। पिरामिड षड्यंत्र में भाग लेने वालों को हाई रिटर्न्स का वादा किया जाता है, नए सदस्यों को योजना में शामिल करने के लिए उनके वास्तविक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बजाय। नए प्रतिभागियों को मौजूदा सदस्यों को भुगतान करना पड़ता है और जैसे जैसे पिरामिड बढ़ता है, पहले के सदस्यों को नए प्रतिभागियों के भर्ती से भुगतान होता है। पिरामिड स्कीम अनसस्टेनेबल होते हैं क्योंकि इसकी स्थिति को समर्थन करने के लिए निरंतर रूप से बढ़ते हुए संख्या पर निर्भर है और आखिरकार पर्याप्त नए सदस्य नहीं होते हैं जो स्ट्रक्चर का समर्थन कर सकें। इससे पिरामिड के नीचे वालों को आर्थिक नुकसान होता है। चेन बिजनेस एक प्रकार की धोखाधड़ीपूर्ण योजना है जो आमतौर पर योजना में नए सदस्यों को भर्ती करने पर आधारित आर्थिक लाभ का वादा किया जाता है। इसमें पैरामिड योजनाओं और अन्य मल्टीलेवल मार्केटिंग MLM संरचनाओं के साथ समानताएं होती हैं। चेन व्यापार धोखाधड़ी में व्यक्तियों को अक्सर पैसे लगाने या योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उन्हें दूसरों की भर्ती से प्रॉफिट होने की उम्मीद होती है। चेन बिजनेस की प्राइमरी फोकस नए सदस्यों को भर्ती करने पर होते हैं, बेहतर उत्पादों या सेवाओं की बजाय। प्रतिभागी को अक्सर कम मेहनत के लिए उच्च लाभ या लाभदायक पुरस्कार का वादा किया जाता है, अक्सर बिना स्पष्टीकरण के कि व्यावसायिक मॉडल सस्टेनेबल इनकम कैसे जनरेट करता है। पिरामिड योजनाओं की तरह चेन व्यापार दीर्घकालिक रूप से अनसस्टेनेबल होती है। चेन बढ़ती है, नए संगठनों की भर्ती करना लगातार कठिन होता है, जिससे चेन के नीचे वालों को आर्थिक नुकसान होती है। पोंजी स्कीम्स चार्ल्स पोंजी के नाम पर रखे जाने के बाद इस प्रकार की योजना में किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा निवेश पर हाई रिटर्न्स का वादा किया जाता है, जिसमें कम या कोई जोखिम नहीं होता। लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज के माध्यम से मुनाफे जनरेट करने के बजाय पहले निवेशकों को मिलने वाला मुनाफा नए निवेशकों द्वारा दिए गए धन से आता है। पोंजी योजनाएं अंत में गिरती हैं जब पहले निवेशकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नए निवेशक नहीं होते, जिससे कई सदस्यों को वित्तीय हानि होती है। ये योजनाएं भर्ती पर जोर देने, लेजिटिमेट प्रोडक्ट्स या सेवाओं की बजाय उच्च लाभ का वादा करने और अनसस्टेनेबल स्ट्रक्चर जैसी सामान्य विशेषताएं साझा करती हैं, जो अल्टीमेटली प्रतिभागियों के लिए फाइनेंशियल लॉसेस की ओर ले जाती हैं।
भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का। जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक लेजिटिमेट व्यावसायिक मॉडल है, जब वास्तविक उत्पादों या सेवाओं की बिक्री पर ध्यान केंद्रित होता है। धोखाधड़ी तब होती है जब ध्यान रिक्रूटमेंट और अनसस्टेनेबल कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर्स पर जाता है, जो पिरामिड योजनाओं की तरह होती है। लेजिटिमेट MLM में पार्टिसिपेंट्स प्रोडक्ट सेल्स पर आधारित कमीशन कमाते हैं और ध्यान ग्राहक आधार बनाने पर होता है। अग्रिम शुल्क धोखाधड़ी में धोखाधड़ी जालसाज शिकारों को समझाते हैं कि उन्हें एक वादा किया गया पुरस्कार, सेवा या फाइनेंशियल लाभ के लिए मुफ्त में देने के लिए पहले एक अग्रिम शुल्क देना होगा, जो कभी होता ही नहीं। सामान्य उदाहरण में लॉटरी धोखाधड़ी शामिल है, जहां पीड़ितों को सूचित किया जाता है कि उन्होंने एक लॉटरी जीती है, लेकिन उन्हें इसका इनाम प्राप्त करने के लिए शुल्क देना होगा। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, फ्रॉडस्टर्स खुद को वास्तविक निवेश सलाहकार के रूप में पेश कर सकते हैं और व्यक्तियों को फर्जी या नॉन एग्जिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज में निवेश करने के लिए राजी कर सकते हैं। वे कम या बिना किसी जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा करते हैं, लेकिन रियलिटी में पैसा अक्सर पहले निवेशकों को भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है या सीधे तौर पर धोखाधड़ीकर्ताओं द्वारा चुराया जाता है। एफिनिटी फ्रॉड उत्पन्न होती है जब एक जालसाज किसी स्पेसिफिक समूह के सदस्यों, जैसे कि धार्मिक या एथनिक कम्युनिटी को लक्षित करता है, विश्वास और साझा संबंधों का शोषण करता है। एफिनिटी फ्रॉड समूह का हिस्सा बनकर या मौजूदा रिश्तों का शोषण करके विश्वसनीयता हासिल करते हैं। फ्रॉडुलेंट स्कीम्स धोखे से भरे वादों को शामिल करते हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक मुनाफे के लिए व्यक्तियों या इकाइयों को ठगना है। इन योजनाओं में अक्सर बड़े फायदों का वादा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये अस्थिर होते हैं और भागीदारों के लिए बड़े वित्तीय हानियों का कारण बन सकते हैं। व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सतर्क रहें, गहन अनुसंधान करें और किसी भी निवेश या व्यापार अवसर में भाग लेने से पहले मान्यता प्राप्त स्रोतों से सलाह लें, ताकि धोखाधड़ी षड्यंत्रों के शिकार न बने। यह आवश्यक है कि किसी भी व्यापार अवसर का अध्ययन और मूल्यांकन किया जाए, समीक्षाएं खोजें, कानूनी अनुपालन की जाँच करें और उन सौदों से सावधान रहें जो बहुत अच्छे लगते हैं। भरोसेमंद स्रोतों और पेशेवरों से सलाह लेना भी वास्तविक व्यापार और पोटेंशियल स्कैम्स के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है।